गाइज हम लोग एसोसिएशन एरियाज को डिस्कस कर रहे थे। तो गाइज हमारे पास एसोसिएशन एरियाज जो होते हैं वो अगर हम मैं आपको गाइटन के लिहाज से बताऊं तो वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। बाकी स्नेल का तो इतना अच्छा कोई डिवीजन नहीं दिया हुआ ना, स्नेल में इतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं है न्यूरो स्नेल्स में। तो एसोसिएशन एरियाज बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे एरियाज होते हैं जो कि हमारे पास मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं। ठीक, एक तो इनका ये काम समझ में आ गया कि भाई एक तो ये मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं, दूसरा क्या होते हैं कि दे इनिशिएट योर थॉट प्रोसेस। आपके थॉट प्रोसेस को, सोचने समझने के सलाहियत को ये लोग इनिशिएट करते हैं। दे इनिशिएट्स योर थॉट प्रोसेस, जो आप सोचते हो उसको शुरुआत करते हैं, सोचने की शुरुआत करते हैं। ठीक, एसोसिएशन एरियाज क्या करते हैं? आपके सोचने को शुरुआत करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आई भी होती है उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट्स करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन एरियाज क्या करते हैं? आपको सोचने की सलाहियत देते हैं, इंटीग्रेट्स करते हैं, उसके साथ साथ ये हमारे पास क्या करते हैं, मेमोरीज को स्टोर भी करते हैं और कंपेयर भी करते हैं। मेमोरीज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, मेमोरीज को ये लोग क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं और साथ में ये लोग क्या करते हैं, डिफरेंट सेंसेशंस को कंपेयर भी करते हैं। डिफरेंट सेंसेशंस को क्या करते हैं, कंपेयर भी करते हैं, साथ साथ में कंपेयर करने के बाद मोटर एक्शन भी स्टार्ट करवाते हैं। मोटर एक्शन भी क्या करते हैं, स्टार्ट करवाते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एसोसिएशन एरियाज के कितने काम हो गए कि ये हमारे पास थॉट जनरेट करवाते हैं, उसके बाद डिफरेंट सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद जो आपकी मोटर एक्टिविटी हो गई, मोटर एक्टिविटी होने के बाद या सेंसरी इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है या जो भी आप काम परफॉर्म करते हो तो उसका एक मेमोरी ट्रेसेस कहते हैं ना, अपन जो कहते हैं ना कि दिमाग में यार मेमोरी स्टोर नहीं हो रही, तो आप लोग अब मेडिकल स्टूडेंट्स हो तो आप लोग कहोगे मेमोरी ट्रेसेस जो है ना नहीं बन रही। अगर अपन कहते हैं ना कि यार अपन ये चीज़ याद कर रहे हैं, याद करने के बाद याद नहीं हो रही, तो आप ये कहो कि मेरे मेमोरी ट्रेसेस नहीं बन रहे। ठीक है, मेमोरी स्टोर को हम क्या कहते हैं, मेमोरी ट्रेसेस। तो ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास थॉट्स जनरेट करवाते हैं, इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करने के बाद एक्शन परफॉर्म करने की भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लैंड एक्शंस देते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, डिफरेंट सेंसेशंस को कंपेयर करते हैं। अब हमें देखना है कि यार ये एक एक सेंसरी जो जो एक एक जो एसोसिएशन एरिया है उनके क्या क्या काम है। हमें अब एसोसिएशन एरियाज के मतलब स्पेसिफिक स्पेसिफिक एसोसिएशन एरिया के काम देखने। अब सबसे पहले अगर हम देखें गाइटन के लिहाज से, तो वी हैव गॉट पराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया, पराइटो ऑक्सीपिटल टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। अब इन्होंने क्या किया, गाइटन ने, इन्होंने पराइटल लोब में जो एसोसिएशन एरिया है, ऑक्सीपिटल लोब में जो एसोसिएशन एरिया है, टेम्पोरल लोब में जो एसोसिएशन एरिया है, तीनों को मिला के एक कंपाइल नाम दे दिया जिसको इन्होंने कहते हैं पराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। अब एसोसिएशन एरियाज टेम्पोरल लोब में वैसे अलग होगा, ऑक्सीपिटल लोब में एसोसिएशन एरिया अलग होगा, टेम्पोरल लोब में एसोसिएशन एरियाज अलग होंगे, लेकिन फंक्शनली दे ऑल आर रिलेटेड। ठीक है, फंक्शनली ये तीनों एक साथ रिलेटेड होते हैं। तो गाइटन ने एक एसोसिएशन, बड़ा एसोसिएशन एरिया का नाम दे दिया जिसको कहते हैं पराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। एक्चुअली ये जो तीन जो हैं, ये तीनों अलग अलग एसोसिएशन एरिया हैं, लेकिन फंक्शनली दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। पराइटल लोब में अलग एसोसिएशन एरिया है, ऑक्सीपिटल में अलग, टेम्पोरल में अलग, बट ऑल दीज थ्री आर लिंक टूगेदर फंक्शनली, देयर फोर इट इज कॉल्ड एज पराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया। अब अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि पराइटो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल एसोसिएशन एरिया में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं, तो वी हैव गॉट सबसे पहले सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया। और ये जो सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया होता है ये कहाँ लोकेटेड है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे पास पोस्टीरियर पराइटल लोब में ये एसोसिएशन एरिया जो है वो लोकेटेड होता है। सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया कहाँ लोकेटेड होता है, पोस्टीरियर पराइटल लोब में। और इसका क्या काम होता है, इसका बड़ा अच्छा काम ये होता है कि ये आपको इन्फॉर्म करता है अबाउट कॉन्ट्रालेटरल साइट
के बारे में आपको इन्फॉर्म करता है, आपकी जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है उसके बारे में इन्फॉर्म करता है, ठीक है। अगर ये ना हो तो आपको पता ही नहीं पड़े कि आपकी राइट साइड भी है या नहीं, आपको पता ही नहीं पड़े कि आपकी राइट साइड पे आपका हाथ है या नहीं, आप राइट साइड की इन्फॉर्मेशन को आप करी आप राइट साइड की आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, यानी कि राइट साइड की इन्फॉर्मेशन पोस्ट सेंट्रल गायरस पे आ तो जाएगी लेकिन इंटीग्रेट नहीं होगी, ठीक है। जैसे टच आपके पास लेफ्ट साइड पर हुआ, टच आपका राइट साइड पर हुआ तो क्रूड टच तो आपका है ना थैलेमस में इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके बाद जब पोस्ट सेंट्रल गायरस पर आएगी, पोस्ट सेंट्रल गायरस से जब आपके पास लेफ्ट पोस्टीरियर सोमेटो एसोसिएशन एरिया पे आएगा, लेफ्ट सोमेटो एसोसिएशन एरिया पे जब मैसेज आएगा और अगर ये खराब होगा, सोमेटो एसोसिएशन एरिया खराब होगा तो आप इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे कि आपको किस चीज ने टच किया है, आप उस और जिस चीज ने आपको टच किया होगा आप उसका टेक्सचर इंटीग्रेट नहीं कर सकोगे, क्योंकि सारी इंटीग्रेशन कहाँ होती है, सारी इंटीग्रेशन सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया में हो रही है, और अगर आपका सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया खराब है तो आपको पता नहीं पड़ेगा कि यार ये मेरे हाथ में क्या है, ठीक है। आपको पता नहीं पड़ेगा आपके हाथ में क्या है, आपको टच फील हो रहा होगा कि यार कुछ चीज़ पड़ी है हाथ में, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि क्या है, इसका क्या टेक्सचर है और इसकी क्या शेप है, कितना वेट है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको बस ये पता होगा कोई चीज़ हाथ में पड़ी है, बस वो भी क्यों, थैलेमस की वजह से। बाकी आप ये टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सक रहोगे कि यार ये चीज़ इधर पड़ी है कि ये चीज़ इधर पड़ी है, ठीक है। आपको बस ये पता होगा चीज़ हाथ में पड़ी है। चीज़ समझ में आ रही है कि सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया जो कि पोस्टीरियर पराइटल लोब में होता है, ये आपको आपकी जो कॉन्ट्रालेटरल साइड है राइट साइड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अगर आपको उस राइट साइड की कोई एक्टिविटी करानी है, लेट्स से आपने यूँ हाथ घुमाना है, राइट साइड का आपको मूवमेंट करानी है, तो राइट साइड की मूवमेंट करवाने के लिए सोचोगे भी कौन, सोमेटो एसोसिएशन एरिया राइट साइड का आपका, लेफ्ट साइड का सोमेटो एसोसिएशन एरिया आपका सोचेगा राइट साइड की मूवमेंट्स, ठीक है। राइट साइड की मूवमेंट कौन सोचेगा, लेफ्ट साइड का सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ठीक। तो सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया का फंक्शन हमें समझ में आ गया। उसके बाद जो है, उसके बाद हमारे पास कौन सा एसोसिएशन आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया इज लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब। ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया हमारे पास कहाँ होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर, टेम्पोरल लोब, ठीक। तो ये जो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया होता है ये आपका कहाँ पे होता है, टेम्पोरल लोब के अंदर होता है। अब ये क्या होता है, ये हमारा सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया होता है, सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया। लेट मी शो यू इन द पिक्चर। सो गाइज यू कैन सी हियर कि ये जो आपको ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ये जो स्ट्रक्चर है आपको क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है सेकेंडरी ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ये आपका क्या करता है, ये आपकी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रीट करता है, ये आपकी क्या करता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रीट करता है, ठीक। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ये आपकी क्या करता है, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रीट करता है, म्यूजिक को इंटरप्रीट करता है, जो आपने पहले कभी बातें सुनी होती हैं, टीचर की डांट सुनी होती है, ये उन सारी चीज़ों को क्या करता है, रिकॉल करता है। प्राइमरी सेंटर आपका सुनेगा, उसके बाद आपको मैसेज जो है वो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया पे दे देगा, फिर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया आपकी पुरानी मेमोरीज को, ठीक है, सॉन्ग्स को, जो भी चीज़ आपने सुनी होंगी उन सबको इंटीग्रेट करेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। वैसे एक मैंने वो एक है ना, हम लोग अभी एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि ऑल के कैसे ये सारे एसोसिएशन एरियाज लिंक्ड होते हैं, बड़े मजे की वो चीज़ है, ठीक है। अभी आपने सिर्फ ये चीज़ समझनी है कि एसोसिएशन एरियाज के क्या क्या काम है, फिर हम एक सिनेरियो बनाएंगे और सारे एसोसिएशन एरियाज को एक साथ रिलेट करेंगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया आपकी रिकॉल कराएगा म्यूजिक वगैरह को। उसके बाद हमारे पास कौन सा एसोसिएशन एरिया होता है, उसके बाद जो हमारे पास एसोसिएशन एरिया है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है विजन एसोसिएशन एरिया। और विजन एसोसिएशन एरिया हमारे पास कहाँ लोकेटेड होता है, विजन एसोसिएशन एरिया जो है ये हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब में भी होता है, सम पार्ट इसका पोस्टीरियर पैराइटल लोब से भी कनेक्टेड होता है और सम पार्ट इसका टेम्पोरल लोब से भी कनेक्टेड होता है, ठीक। तो ये जो विजन एसोसिएशन एरिया जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पैराइटल लोब से भी कनेक्टेड है, कुछ पार्ट ऑक्सीपिटल लोब से भी कनेक्टेड है, और कुछ जो है आगे जाके ये हमारे पास एंगुलर गायरस से भी कनेक्टेड होता है। कुछ पार्ट पोस्टीरियर पैराइटल लोब से कनेक्टेड है जो कि उसको ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, ऑब्जेक्ट के टेक्सचर की इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। लेट सपोज कि आपके हाथ पे चीज़ पड़ी है, आपने अभी आंखें खोल के देखी नहीं है, ठीक है, आपके हाथ पे चीज़ पड़ी है, उसके बाद आप क्या करोगे कि आपको, आपने आंखें खोल ली, आपके हाथ पे चीज़ पड़ी थी, ठीक है, आपकी इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, इन्फॉर्मेशन आपकी गई सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया पे,
ठीक है, आपने जब आंखें खोली, आपने जब आंखें खोली तो आपने चीज देखी, ठीक है, चीज देखी और उस चीज का जो टच प्रेशर इन्फॉर्मेशन थी वो आपकी कहाँ जाएगी, वो आपकी विजुअल एसोसिएशन एरिया पे जाएगी। फिर आप आपका जो विजुअल एसोसिएशन एरिया और सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया दोनों इंटीग्रेट करेंगे कि यार इस चीज़ की नेचर क्या है। आंखों से आप बताओगे कि ये मार्कर है, ठीक है, ब्लैक कलर का मार्कर है। विजुअल एसोसिएशन एरिया क्या बताएगा कि यार ये ब्लैक कलर का मार्कर है। फिर सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया इंटीग्रेट करेगा, अच्छा ये ब्लैक कलर का मार्कर है, इसका वेट कितना है, तो ये सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया खुद इसका वेट नापेगा कि यार इसका वेट लगभग है ना वो इतना है, ठीक है, इसका साइज कितना, लेंथ कितनी है, तो ये भी इंटीग्रेट करेगा। अब और विजन एसोसिएशन एरिया बताएगा इसमें वाइट कलर भी है, इसमें ब्लैक कलर भी है, तो विजन एसोसिएशन एरिया भी इनको बताएगा, ठीक है। फिर इस पूरी मार्कर की इंफॉर्मेशन इन दोनों एरियाज के अंदर स्टोर हो जाएगी, जो प्रेशर की थी, जो इस मार्कर से रिलेटेड जो प्रेशर से इंफॉर्मेशन थी, जो टच की इंफॉर्मेशन थी, जो इसके टेक्सचर की इंफॉर्मेशन थी, वो आपकी सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया में स्टोर होगी। और इस मार्कर से रिलेटेड जो इसकी विजुअल इंफॉर्मेशन थी कि इसका कलर क्या है, इसमें कौन कौन से कलर्स मौजूद थे, ठीक है, वो आपकी विजुअल एसोसिएशन एरिया में स्टोर हो जाएगा। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब अगर इस मार्कर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इस मार्कर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, लेट्स से ड्राई इरेज लिखा हुआ है, तो वो हमारे पास कहाँ जाएगा, वो हमारे पास एंगुलर गायरस के ऊपर मैसेज जाएगा। एंगुलर गायरस ये भी एक विजुअल एसोसिएशन एरिया जो कि थोड़ा सा टेम्पोरल लोब की साइड पे लोकेटेड होता है, थोड़ा सा टेम्पोरल लोब की साइड पे लोकेटेड होता है। तो एंगुलर गायरस जो है वो आपको पढ़ने में हेल्प कराएगा कि यार मार्कर के ऊपर ड्राई इरेज करके कुछ लिखा है, जैसे DRYERASE ये एक वर्ड लिखा हुआ है। तो ये वर्ड जब आपका है ना विजुअल इन्फॉर्मेशन के थ्रू, विजुअल इन्फॉर्मेशन यानी कि जब आपका विजुअल मैसेज जो है वो ऑक्सीपिटल लोब पर आएगा, प्राइमरी ऑक्सीपिटल लोब पे, प्राइमरी विजुअल एरिया पे, प्राइमरी विजुअल एरिया से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, एंगुलर गायरस पे। प्राइमरी विजुअल एरिया पे आपका ये इमेज आया, आपकी आंखों ने देखा कुछ लिखा हुआ है, ड्राई इरेज कुछ लिखा हुआ है, मैं अभी बोल नहीं रहा, समझ लो कि कुछ लिखा हुआ है। जो लिखावट थी वो आपकी पहले प्राइमरी एसोसिएशन प्राइमरी विजुअल एरिया पे गई इन द ऑक्सीपिटल लोब, प्राइमरी विजुअल एरिया से फिर हमारे पास मैसेज कहाँ जाएगा, एंगुलर गायरस पे, जो कि थोड़ा सा वो एंगुलर गायरस क्या है, विजुअल एसोसिएशन एरिया लोकेटेड समहाउ इन द टेम्पोरल लोब, ठीक है, मतलब टेम्पोरल लोब की साइड पर समहाउ लोकेटेड होता है। तो एंगुलर गायरस क्या करेगा कि ये इंटीग्रेट करेगा कि यार ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या लिखी हुई है, तो ये एंगुलर गायरस बताएगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राई रेस। एंगुलर गायरस क्या बताएगा, ये बताएगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राई इरेज, ठीक है। अब एंगुलर गायरस ने बता दिया ड्राई इरेज, उसके बाद एंगुलर गायरस से फिर हमारे पास मैसेज कहाँ जाएगा वो आपको मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये आपके एसोसिएशन एरियाज इन्फॉर्मेशन एक एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करते रहेंगे। एंगुलर गायरस जो इस पर लिखा हुआ होगा उसको इंटीग्रेट करके अपने पास स्टोर करेगा। विजुअल एसोसिएशन एरिया इसमें कलर्स को, सोमेटो सेंसरी एरिया इसके इसके जो वेट प्रेशर वगैरह होगा उन सबको इंटीग्रेट करेगा। उसके बाद जो अगर हम एसोसिएशन एरिया देखते हैं तो हमारे पास आता है वर्निकीज एरिया। वर्निकीज एरिया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अब हम इसको डिस्कस करने लगेंगे कि ये वर्निकी एरिया जो है ये क्या है, क्योंकि यहां पे हमारे पास इस वर्निकी पे हमारे पास सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है। सो गाइस, हम लोगों का लास्ट टाइम वर्निकी एसोसिएशन एरिया चल रहा था, वो आई पॉज दैट वीडियो, ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं वर्निकी एसोसिएशन एरिया। तो मैं आपको बता रहा था कि ये एसोसिएशन एरिया जो है वर्निकी एसोसिएशन एरिया है, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो वर्निकी एसोसिएशन एरिया है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे पास रिसीव करता है सेंसेशन फ्रॉम ऑल अदर एरियाज। वर्निकी एरिया क्या है, वर्निकी हमारे पास एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हमारे पास सारे एसोसिएशन एरिया जो हैं वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। वर्निकी एसोसिएशन एरिया को हम स्पीच एरिया भी कहते हैं, स्पीच एरिया भी कहते हैं। अब क्यों इसको हम स्पीच एरिया कहते हैं और क्या चक्कर है, तो ये जो वर्निकी एरिया होता है, इट इज़ लोकेटेड पार्टली इन द सुपीरियर, इट इज़ लोकेटेड पार्टली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर टेम्पोरल लोब। अगर ये हमारा सुपीरियर टेम्पोरल लोब है तो उसके पोस्टीरियर पार्ट होता है और कुछ पार्ट इसका पोस्टीरियर पैराइटल कॉम्प्लेक्स में भी जा रहा होता है। आपने इसकी लोकेशन जो है वो अपनी स्नेल से भी याद करनी है, ठीक है, इसकी लोकेशन खाली। तो वर्निकी एसोसिएशन एरिया ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब पे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर लोब ऑफ टेम्पोरल लोब,
पॉस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर लोब ऑफ टेम्पोरल लोब पे लोकेटेड होता है। कुछ पार्ट इसका हमारे पास ऑक्सीपिटल कुछ पार्ट इसका पैराइटल साइड पर भी मौजूद होता है, कुछ पार्ट इसका पैराइटल साइड पर भी होता है, और ये हमारे पास पॉस्टीरियर साइड ऑफ और वी कैन से पॉस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर लोब ऑफ टेम्पोरल लोब पे होता है। ठीक है, जहाँ भी लोकेशन फिर भी आप लोग पढ़ लेना। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये वर्निकिस एसोसिएशन एरिया जो है, इसको जो आपका ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया होता है, जो आपका ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया होता है वो भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, इसको एंगुलर गायरस भी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, और इसको आपका जो सोमेटो एसोसिएशन एरिया जो है वो भी इंफॉर्मेशन देता है। तो इससे हो क्या रहा है, अब लेट सपोज सोमेटो एसोसिएशन एरिया, इसने आपको इंफॉर्मेशन दी वर्निकी पे, एंगुलर एसोसिएशन एरिया उसने इंफॉर्मेशन दी वर्निकी पे, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया इसने इंफॉर्मेशन दी वर्निकी पे, यानी कि वर्निकीज के ऊपर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो वर्निकी ऐसा क्या करता है कि सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, तो वर्निकीज जो है वो याद रखना, इट इज़ इन्वॉल्व इन हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन, और वो हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन क्या है, वो है स्पीकिंग, वो क्या है, स्पीकिंग जनरेशन ऑफ थॉट। ठीक है, लेट सपोज आपके सामने ये एक चीज़ पड़ी हुई है जिसको आप देख रहे हो, ठीक है देख रहे हो, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है, लेट सपोज इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राई इरेज, मैंने रीड नहीं किया अभी, अब मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ड्राई इरेज। मैंने आँखों ने देखा इन्फॉर्मेशन कहाँ पर जाएगी, विजुअल एसोसिएशन एरिया पर। सबसे पहले हमारे पास आई की इन्फॉर्मेशन विजुअल, प्राइमरी विजुअल एरिया, प्राइमरी विजुअल एरिया से हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, सेकेंडरी विजुअल एसोसिएशन एरिया जो कि एंगुलर गायरस भी कहलाता है, एंगुलर गायरस। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेकेंडरी विजुअल एसोसिएशन एरिया है ना प्राइमरी विजुअल एसोसिएशन एरिया के पीछे भी होता है, सुपीरियर भी होता है, मीडियल भी होता है, एंटीरियर भी होता है। तो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी विजुअल एसोसिएशन एरिया जिसको हम एंगुलर गायरस भी कहते हैं, वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेकेंडरी विजुअल एसोसिएशन एरिया जिसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर गायरस। अब प्राइमरी विजुअल एरिया से इंफॉर्मेशन कहाँ गई, सेकेंडरी विजुअल एसोसिएशन एरिया जिसको हम एंगुलर गायरस कहते हैं। एंगुलर गायरस क्या करेगा कि वो विजुअल एसोसिएशन एरिया पे जो इमेज आया है, अब इस विजुअल एसोसिएशन एरिया पे जो इमेज आया है, लेट सपोज ये आपका मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर का ये इमेज आया है और इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है, प्राइमरी विजुअल एसोसिएशन एरिया पे ये मैसेज आया है, इसके ऊपर ये कुछ लिखा हुआ है। अब प्राइमरी विजुअल एसोसिएशन एरिया किसको मैसेज देगा, एंगुलर गायरस को। एंगुलर गायरस का क्या काम है कि जो इसके ऊपर वर्ड्स लिखे हुए होंगे उसको पढ़े। एंगुलर गायरस ने बता दिया इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राई इरेज। एंगुलर गायरस ने क्या किया, आपको बता दिया इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राई इरेज। अब फॉर द जनरेशन ऑफ थॉट, आपको क्या, आप दिमाग में सोचो कि यार ये मार्कर इसके ऊपर ड्राई इरेज लिखा हुआ है, ठीक, फॉर द जनरेशन ऑफ थॉट और फॉर इंटरप्रेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर इंटरप्रेटिंग दिस इंफॉर्मेशन जिसको आप के आप इसको स्पीच फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, लेट से कि आपने दिमाग से पढ़ लिया कि इसके ऊपर लिखा हुआ है ड्राई इरेज, अब आप चाह रहे हो कि आप इसको प्रोनाउंस भी करो, तो आप प्रोनाउंस करने के लिए क्या करोगे, आप इंफॉर्मेशन पहले किसको दोगे, वर्निकी पे, जो कि स्पीच एसोसिएशन एरिया है, जो कि क्या है, स्पीच एसोसिएशन एरिया। तो एंगुलर गायरस क्या करता है, एंगुलर गायरस आपके पास जो आपने वर्ड पढ़ा है DRYERASE ड्राई इरेज, आपने ये वर्ड पढ़ दिया, किसने, एंगुलर गायरस ने आपको वर्ड पढ़ के बता दिया कि ये वर्ड लिखा हुआ है ड्राई इरेज। अब आप उस वक्त तक नहीं बोल सकते जब तक इसका थॉट आप अपने दिमाग में ना बनाओ, आप उस वक्त तक नहीं बोल सकते जब तक आप इस चीज़ का थॉट अपने दिमाग में ना बनाओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वर्निकी एरिया को मैसेज दोगे, वर्निकी एरिया इस वर्ड का इमेज अपने दिमाग में बना लेगा, वर्निकी एरिया क्या करेगा, इस वर्ड का इमेज अपने दिमाग में बना लेगा, इसके लिए अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके रख लेगा, वर्निकीज क्या करेगा, अल्फ़ाबेट्स को भी अरेंज करके रख लेगा, पूरा ड्राई इरेज की एक पूरा जो वर्ड है वो अपने पास वो रख लेगा, ठीक है, अपने पास सारे अल्फ़ाबेट्स सेलेक्ट करके रख लेगा कि यार अब मुझे ये बोलना है, अब मुझे ये वर्ड बोलना है जो कि एंगुलर गायरस ने बताया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पढ़ा DRYERASE ड्राई इरेज, मैंने बोल लिया तो मेरे ऑडिटरी एरिया ने सुना भी, जाहिर सी बात है जब मैंने बोला तो आवाज़ जो है वो मेरी ऑडिटरी कान में भी गई, मेरी आवाज़ जब कान में भी गई तो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया जो है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया भी किसको इन्फॉर्मेशन देंगे, वर्निकी को। तो अब वर्निकी इसके ऊपर इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ गई,
एंगुलर गायरस से भी आ गए कि आपने देख भी लिया कि यार ये ड्राई रेज है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ने भी आपको बता दिया कि ये ड्राई रेज है। फिर वर्निकी क्या करेगा, अब वर्निकी थॉट जनरेट करेगा कि यार मुझे ड्राई इरेज बोलना है, मुझे ड्राई इरेज बोलना है, और ये ड्राई इरेज किसके ऊपर लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है मार्कर के ऊपर, ठीक है, लिखा हुआ है मार्कर के ऊपर। अब ये जो सोमेटो एसोसिएशन एरिया जो था उसने आपको बताया वर्निकी को कि भाई ये मार्कर की इतनी लेंथ है, मार्कर का ये शेप है, ठीक है, सब कुछ मार्कर से रिलेटेड सोमेटो एसोसिएशन एरिया ने वर्निकी को बता दिया। अब वर्निकी क्या करेगा, एक थॉट जनरेट करेगा, यार मेरे सामने एक मार्कर पड़ा है, ये जो अब मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा वर्निकी है जो ये सब कुछ दिमाग में इमेज बना रहा है, वर्निकी ये इमेज बना रहा है कि यार मेरे सामने एक मार्कर पड़ा है, ये मार्कर रेड कलर का है, ठीक है, और इस मार्कर के ऊपर ड्राई इरेज लिखा हुआ है। ये सारा का सारा कहाँ पे बना इमेज, वर्निकी इस एरिया में। अब वर्निकी इस एरिया जो है, अब अगर आप चाहोगे कि आप बोलो, आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप बोलना चाह रहे हो, बोलने के लिए वर्निकी क्या करेगा, वर्निकी दो जगह को मैसेज देता है। बोलने के लिए क्या होता है, बोलने के लिए आप दो जगह पे मैसेज देते हो, एक प्रीफ्रंटल एरिया पे, एक कहाँ पे मैसेज देते हो, प्रीफ्रंटल पे, दूसरा ब्रोकास पे, दूसरा क्या करते हो, ब्रोकास पे। ब्रोकास एरिया मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास प्री मोटर एरिया के अंदर लोकेटेड होता है। तो वर्निकी जो है, वर्निकी एक अदद मैसेज तो देगा ब्रोका को, दूसरा मैसेज देगा प्रीफ्रंटल को, ठीक है, एक मैसेज देगा प्रीफ्रंटल को, दूसरा देगा ब्रोका को, ठीक है। ब्रोका जो है, ब्रोका फिर हमारे पास प्राइमरी मोटर को मैसेज देगा, और फिर सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट वगैरह से आप बोलने लगोगे, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट की मूवमेंट वगैरह से, टंग के मसल्स की मूवमेंट वगैरह से, लैरिंजियल मसल्स की मूवमेंट वगैरह से आप बोलने शुरू हो जाओगे, आप बोलने लगोगे जो वर्निकी एसोसिएशन एरिया ने जो सोचा है, और जो आपको है ना, मतलब आपने जो वर्ड बोलना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रोकास को दी, और फिर ब्रोकास जो है वो आपको वर्ड फॉर्मेशन के लिए, वर्ड बुलवाने के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि ब्रोकास क्या करेगा, ब्रोकास आपकी मोटर एक्टिविटी कराएगा। अगर आपका ब्रोका ख़राब होगा, अगर आपका ब्रोकास ख़राब होगा तो आप स्पीच जनरेट नहीं कर सकते, आप ये बोल ही नहीं सकते कि इसके ऊपर ड्राई इरेज लिखा हुआ, कुछ भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। जो भी आपको बोलना चाहोगे आप पूरे पूरे वर्ड्स नहीं बोल सकोगे, ठीक है, पूरे पूरे वर्ड्स आप नहीं बोल सकोगे अगर ब्रोका ख़राब होगा। ब्रोका ख़राब होगा, आप ब्रोका जो है वो प्राइमरी मोटर को मैसेज नहीं दे सकेगा, आप बोल नहीं सकोगे, ठीक है। और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सप्रेसिव एस्फेजिया, एक्सप्रेसिव एस्फेजिया। इसका ये मतलब होता है कि आप बोल नहीं सक रहे, ठीक है, अगर ब्रोका ख़राब हो गया तो आप बोल नहीं सकोगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई।